हम बात कर रहे हैं IRB की। अगर आज के दिन की बात करें तो हमको इसमें 10% के ऊपर का अपसाइड एक धमाका देखने के लिए मिल रहा है। 10% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक में ट्रेडिंग होते हुए नज़र आ रही है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 46.70 पैसे पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल की ही वीडियो में हमने एक सपोर्ट लेवल को डिस्कस किया था, इमीडिएट सपोर्ट 42 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 41 का लेवल इसको डिस्कस किया था हमने, और हम देख सकते हैं स्टॉक ने जो है 42 के सपोर्ट लेवल से हमको एक जंप दिखाया, एक बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है। और हमने टारगेट को डिस्कस किया था, पहला टारगेट जो था 44 का लेवल, ये हमको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है। और सेकंड टारगेट हमने डिस्कस किया था 48 का लेवल, और हम देख सकते हैं स्टॉक ने 47.20 तक का हमको जंप दिखाया, वहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हम देख सकते हैं हमको बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, स्टॉक ऊपर की ओर ही हमको काम करता हुआ नज़र आ रहा है, स्टॉक ऊपर की ओर ही कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हमको यहाँ बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलती तो वैसी कंडीशन में कल के दिन भी हमको बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ये जो इसका लो है आज के दिन का 44-45 का लेवल, एक इमीडिएट और तगड़े सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 40 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा, 43 का लेवल, जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन लेता हमको नज़र आया था 2-3 दफ़ा, 43 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। स्टॉक ऊपर की ओर ही काम कर रहा है तो हमको यहां से ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 48 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट के बाद IRB में हमको 50 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।